पब्लिक टीवी आपकी आवाज। बीते दिनों थाना छजलेट के बिकमपुर में मानसिक रूप से कमजोर महिला की हत्या कर दी गई थी, जिसका शुक्रवार को एसपी देहात उदय शंकर सिंह द्वारा हत्या का खुलासा किया गया। उदय शंकर सिंह ने प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि महिला की हत्या बलात्कार के प्रयास में असफल युवक ने की थी। वह शराब के नशे में डूब था, जिससे पत्थर से कुचलकर मानसिक रूप से कमजोर महिला की हत्या की थी। हत्या के बाद युवक मौके से फरार हो गया और हत्या के बाद 3 महीने से युवक घर से गायब था, जिसको आज थाना छजलेट पुलिस ने पकड़ लिया और युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्यवाही शुरू कर दी गई है। 6 नवंबर 2018 को थाना छजलेट में एक अज्ञात महिला की शव भीखनपुर गांव के क्षेत्रांतर्गत सड़क के किनारे एक दुकान के पीछे मिला था, जिस पर पुलिस के द्वारा हत्या का अभियोग पंजीकृत किया गया था। पुलिस इसमें घटना के प्रत्येक पहलू की गहराई से छानबीन करते हुए लगभग 3 माह के उपरांत इस निष्कर्ष पर पहुंची कि इसमें कोई व्यक्ति ऐसा है जो नशा इत्यादि करता है। फिर पुलिस ने अपना ध्यान उधर केंद्रित किया, तदोपरांत इसमें पुलिस को एक अभियुक्त जो इस घटना में सम्मिलित था, इसको गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त ने घटना में जुर्म का इकबाल किया है। घटना ये बलात्कार करने के उद्देश्य से की गई थी। अभी महिला की शिनाख्त के प्रयास जारी हैं, अभी भी उस अज्ञात विक्षिप्त महिला की शिनाख्त नहीं हो पाई है। क्या कारण था? मूल रूप से ये युवक अविवाहित है और ये नशा भी करता है, शराब इत्यादि का सेवन करता है, और ये घटना के दिनांक को मुरादाबाद से मजदूरी करके शराब पीकर वापस आया। बस स्टैंड से जब उतरा तो वहाँ पर ये महिला दिखाई दी इसको टहलते हुए। इसके मन में, इसकी नीयत में उस समय कुछ परिवर्तन आया, तदोपरांत ये अपने घर जाकर वापस अपने पैंट शर्ट के ऊपर दूसरा पैंट शर्ट उसी पर पहनकर, जिससे कि यदि कोई ब्लड स्पॉट या कोई अन्य स्पॉट वगैरह लगे तो वो ट्रेस आउट ना हो सके, इसके कारण इसने ऊपर एक पैंट शर्ट और अतिरिक्त पहना और एक साल ओढ़ी। तदोपरांत ये घटनास्थल पर आया, कुछ देर तक उस महिला को पीछा करता रहा गोपनीय ढंग से, और जब इसने देखा कि वहाँ पर आने जाने वाले कोई व्यक्ति नहीं दिखाई दे रहे हैं, तदोपरांत उस महिला के साथ इसने गलत हरकत करने का प्रयास किया और उसमें असफल होने पर इसके द्वारा वहाँ पर उपलब्ध एक पत्थर के टुकड़े से उसके सर पर प्रहार किया गया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई।